ने बारिश से परेशान किसानों को खुशखबरी सुना दी। गंदम की इमदादी कीमत 1400 रुपए मुकर्र करने का ऐलान। पंजाब काबीना ने गंदम खरीदारी के लिए 4.5 मिलियन मैट्रिक टन हदफ मुकर्र कर दिया। मौजूदा सीजन के लिए गर्दावरी की शर्त खत्म करने की मंजूरी भी दी। वजीर अला पंजाब उस्मान बुजार ने कहा कि किसान दोस्त पॉलिसी मुतारफ कराएंगे, गंदम की खरीदारी में किसान का ख्याल रखा जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कहां बनाया जाए, हुकूमत ने कमिश्नर्स मुल्तान और बहावलपुर को जगह तलाश करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शौकत अली की जानिब से सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए काम शुरू। पहले मरहले में 1200 अफसर और मुलाजमीन को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में भेजा जाएगा। महकमा SNDGA ने भी तमाम महकमों से काम की तफसीलात तलब कर ली। हुकूमत ने बारिश से परेशान किसानों को खुशखबरी सुना दी। गंदम की इमदादी कीमत 1400 रुपए मुकर्र करने का ऐलान। पंजाब काबीना ने गंदम खरीदारी के लिए 4.5 मिलियन मैट्रिक टन हदफ मुकर्र कर दिया। मौजूदा सीजन के लिए गर्दावरी की शर्त खत्म करने की मंजूरी भी दी। वजीर अला पंजाब उस्मान बुजार ने कहा कि किसान दोस्त पॉलिसी मुतारफ कराएंगे, गंदम की खरीदारी में किसान का ख्याल रखा जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कहां बनाया जाए, हुकूमत ने कमिश्नर्स मुल्तान और बहावलपुर को जगह तलाश करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शौकत अली की जानिब से सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए काम शुरू। पहले मरहले में 1200 अफसर और मुलाजमीन को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में भेजा जाएगा। महकमा SNDGA ने भी तमाम महकमों से काम की तफसीलात तलब कर ली। हुकूमत ने बारिश से परेशान किसानों को खुशखबरी सुना दी। गंदम की इमदादी कीमत 1400 रुपए मुकर्र करने का ऐलान। पंजाब काबीना ने गंदम खरीदारी के लिए 4.5 मिलियन मैट्रिक टन हदफ मुकर्र कर दिया। मौजूदा सीजन के लिए गर्दावरी की शर्त खत्म करने की मंजूरी भी दी। वजीर अला पंजाब उस्मान बुजार ने कहा कि किसान दोस्त पॉलिसी मुतारफ कराएंगे, गंदम की खरीदारी में किसान का ख्याल रखा जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कहां बनाया जाए, हुकूमत ने कमिश्नर्स मुल्तान और बहावलपुर को जगह तलाश करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शौकत अली की जानिब से सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए काम शुरू। पहले मरहले में 1200 अफसर और मुलाजमीन को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में भेजा जाएगा। महकमा SNDGA ने भी तमाम महकमों से काम की तफसीलात तलब कर ली।